हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम अपने चैप्टर फर्स्ट वाटर का सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। EDTA मेथड को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस का मतलब क्या होता है। डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस का मतलब है कि किसी भी पानी के अंदर कितने हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस मौजूद है, ये पता लगाना, या फिर ये पता करना कि हमारे पास जो पानी अवेलेबल है वो कितना हार्ड है। पानी के हार्डनेस निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है, EDTA मेथड। उस मेथड के हेल्प से हम पानी कितना हार्ड है ये पता लगा सकते हैं और पानी का हार्डनेस निकाल सकते हैं। EDTA मेथड के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं। सेकंड हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे और थर्ड हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपोनेंट्स से। तो फर्स्ट इसका जो केमिकल है वो है EDTA। EDTA स्टैंड फॉर इथाइलिन डायमीन टेट्राडिक एसिड। EDTA का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। और इसका जो स्ट्रक्चर है दिया हुआ है, इसके अंदर दो कार्बन है, क्योंकि इथाइलिन है तो दो कार्बन है, और डाइएमीन मींस एन दो बार, एंड टेट्रा एसिडिक एसिड मींस चार एसिड के कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट लाइन ये है, अज EDTA इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट इट्स सोल्यूबल डाइसोडियम सोल्ट इज जनरली यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो अगर हम नॉर्मल EDTA की बात करें तो नॉर्मल EDTA पानी के साथ सोल्यूबल नहीं हो पाता है, पानी में घुल नहीं पाता है। इसलिए हम EDTA मेथड के अंदर अगर नॉर्मल और जर्नल EDTA का यूज़ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए, ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। डाइसोडियम सॉल्ट के अंदर EDTA की तो दो हाइड्रोजन एटम्स है, वो Na के द्वारा यानी कि सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं। हमें EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट मिल जाता है। अब सेकंड चीज ये है कि व्हेन EDTA इज डिसॉल्व इन वाटर EDTA फॉर्म अ ज्यूटर आयन हैविंग स्ट्रक्चर। जब हम EDTA के डाइसोडियम सॉल्ट को पानी के अंदर घोलते हैं तो एक वो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है, और जिसकी स्ट्रक्चर आप नीचे देख सकते हैं। इसके अंदर जो Na के जो सब्सटेंस थे वो वहाँ से हट जाते हैं और नेगेटिव चार्ज दे जाते हैं। ये ज्यूटर आयन की हेल्प से हम अपना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पूरा करते हैं। तो अब अपना हमारा बारी आता है सेकंड केमिकल का, जो है EBT इंडिकेटर। इंडिकेटर डेट इंडिकेट द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग कलर। किसी भी रिएक्शन के अंदर हम इंडिकेटर की यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके हमें ये सिग्नल देता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इस EDTA मेथड के अंदर हम EBT इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म इडियोक्रोम ब्लैक टी, जिसका स्ट्रक्चर आप नीचे देख सकते हैं। और इसके दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट है ब्लैक अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड सेकंड है रेड आयोनाइज्ड फॉर्म। थर्ड जो केमिकल है वो है अमोनिकल बफर सॉल्यूशन। ड्यूरिंग द रिएक्शन pH लेवल शुड बी मेंटेन। द पर्पस ऑफ एडिंग बफर सॉल्यूशन इज मेंटेन द pH ऑफ सॉल्यूशन। रिएक्शन के लिए जो pH हमें चाहिए होता है, तो जब हम उसके अंदर अमोनिकल बफर डालते हैं तो वो हमें वो pH प्रोवाइड करवाता है, जिसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसका प्रिंसिपल है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हार्डनेस यूजिंग मेटल आयन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ EBT इंडिकेटर एज वेल एज EDTA, बट EDTA कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन EBT इंडिकेटर। हमारा जो
प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो पानी के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं किसके साथ, ईबीटी के साथ भी और ईडीटीए के साथ भी। बट क्या होता है, ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ईबीटी के कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, वापिस रिपीट करता हूँ मैं, जो हमारे पानी के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं किसके साथ, फर्स्ट ईडीटीए ईबीटी इंडिकेटर के साथ एंड सेकंड ईडीटीए के साथ। बट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं ईबीटी इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स से। सो अब प्रोसीजर से हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि M2 प्लस EBT इंडिकेटर ब्लू कलर होता है EBT इंडिकेटर का, pH 9 टू 10 एंड क्या फॉर्म होता है, मेटल एंड EBT फॉर्म अनस्टेबल वाइन रेड कलर। इसका मतलब ये होता है कि जब हम पानी के जो जिस भी पानी का हमें हार्डनेस निकालना उस पानी के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे EBT इंडिकेटर। अब EBT इंडिकेटर जो भी पानी के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और वो ब्लू कलर जो है EBT इंडिकेटर का वो चेंज हो जाएगा वाइन रेड कलर के अंदर। सो फर्स्ट प्रोसीजर ये है हमारा। अब ये देखिए, EBT फॉर्म अनस्टेबल वाइन रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ Ca2+ एंड Mg2+ आयन प्रेजेंट इन वाटर। सेकेंड हमारा है ऑन एडिशन ऑफ EDTA, अब हमें क्या ऐड करना है EDTA। ऑन एडिशन ऑफ EDTA इट फर्स्ट कंबाइंस विद फ्री मेटल आयन्स टू गिव स्टेबल कलरलेस मेटल आयन्स EDTA कॉम्प्लेक्स। सो जब हम पानी के अंदर EBT इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जब EDTA इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके अंदर जो भी फ्री एटम्स बचते हैं सबसे पहले EDTA उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो मेटल आयन प्लस EDTA 9 to 10 pH मेटल एंड EDTA स्टेबल मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी फ्री मेटल आयन्स होंगे उनके साथ EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। देन थर्ड प्रोसीजर है हमारा, थर्ड स्टेप है फर्दर एडिशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन डिस्पेलेस मेटल EBT कॉम्प्लेक्स सिंस स्टेबिलिटी ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स इज वेरी हाई देन मेटल EBT कॉम्प्लेक्स। जब हम जब पानी के अंदर हम EBT डालते हैं सबसे पहले वो EBT कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेटल आयन के साथ, उसके बाद हम EDTA डालते हैं वो EDTA पहले फ्री एटम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बट जब हम फर्दर एडिशन करते हैं EDTA का तो वो मेटल आयन एंड EBT का जो कॉम्प्लेक्स है उसको डिस्पेलेस कर देता है। क्यों, क्योंकि मेटल आयन एंड EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल है मेटल आयन EBT के कॉम्प्लेक्स से। सो यहाँ पे क्या होता है, मेटल आयन EBTA कॉम्प्लेक्स है, फर्दर एडिशन ऑफ EDTA, pH लेवल 9 to 10 है। सो क्या होगा, डिसपेलेसमेंट हो जाएगा EBT का। सो मेटल आयन एंड EDTA का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा EBT जिसका कलर है ब्लू कलर। हमने शुरुआत में देखा था EBT का कलर कैसा था, ब्लू। सो ये जो ब्लू कलर है वो हमें एंड पॉइंट शो करता है कि हाँ आपका रिएक्शन पूरा हो चुका है। फ्री इंडिकेटर शो ब्लू कलर इन सॉल्यूशन एट pH 9 to 10, देयरफॉर एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन द कलर चेंज फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू। फर्स्ट हमारा कलर क्या आया था, जब हमने पानी के अंदर EBT डाला था तो मेटल आयन एंड EBT कॉम्प्लेक्स बनाया था तो वाइन रेड कलर आया था। सेकेंड जब हमने डाला EDTA तो उसमें कोई कलर नहीं हुआ था, कलरलेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। जब हमने फर्दर एडिशन किया तो डिसप्लेसमेंट हुआ किसका, EBT का EDTA से। सो EBT का कलर क्या होता है, EBT इंडिकेटर जो है वो सेपरेट हो जाता है और क्या कलर शो करता है, वो ब्लू कलर शो करता है जो कि क्या है, हमारा एंड पॉइंट है और हमें रिएक्शन कंप्लीट होने का
सिग्निफिकेंस देता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि टोटल हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। तो आपको अगर टेम्पररी हार्डनेस चाहिए तो टोटल हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को माइनस करने पर आप टेम्पररी हार्डनेस पा सकते हैं। अब नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हार्डनेस। ये पार्ट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बट एक बार वापस देख लेते हैं। हम जो हार्डनेस के यूनिट हैं वो हैं, टोटल चार यूनिट्स हैं हमारे पास। एक है ppm मिलीग्राम पर लीटर, एंड थर्ड है हमारा डिग्री क्लॉर्क, एंड फोर्थ है डिग्री फ्रेंच। ये चार यूनिट्स आप देख सकते हैं। 1 ppm इज इक्वल टू होता है 1 mg पर लीटर के, एंड 1 part ऑफ CO3 इज इक्वल टू होता है 10^6 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, 1 degree क्लॉर्क इज इक्वल टू 70,000 ऑफ वाटर, एंड डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 10^5 पार्ट ऑफ वाटर। इनके बीच का रिलेशन आप देख सकते हैं। 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 0.1 degree फ्रेंच इज इक्वल टू 0.07 degree क्लॉक। अब एक न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। अ हार्ड वाटर सैंपल हैज हार्डनेस 1600 ppm, कैलकुलेट द हार्डनेस इन द डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लॉक। सो आपको बहुत ही ईजी है ये। 600 ppm में दिया हुआ है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लॉक। तो आपको इसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। 1 ppm इज इक्वल टू होता है 0.1 degree फ्रेंच, तो आपको 0.1 से इंटू कराओगे तो आपको डिग्री फ्रेंच में मिल जाएगा, और 0.07 से कराओगे डिग्री क्लॉक में मिल जाएगा। बहुत ईजी है। अब हमें ये देखना है कि जो भी हमें EDTA मेथड है उसके अंदर कैलकुलेशन करते वक्त क्या प्रोसीजर हमें लेना है। सो प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप है इसका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको क्या करना है, इन दिस कंडीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम विथ रिस्पेक्ट ऑफ सैंपल हार्ड वाटर। जब हम EDTA का मेथड अपनाते हैं हार्डनेस निकालने के, तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेना है, ठीक है, जिसके हमें हार्डनेस पता होगी पहले से। उस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर हमें ये देखना है कि कितना EDTA कंज्यूम हो रहा है, उसके हिसाब से हम स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे EDTA सॉल्यूशन का। अब आप ये देखिए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनता है। 1 gram मतलब आपके प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनता है, 1 gram ऑफ CO3 लेंगे, HCl के साथ रिएक्शन कराने पर CaCl2 बनता है, प्लस CO2 हीट देने पर, और ऐड करेंगे 1 liter डिस्टिल्ड वाटर। सो हमारा सैंपल हार्ड वाटर बन जाएगा। अभी थ्योरेटिकल ही चल रहा है कैलकुलेशन। जब हमारे न्यूमेरिकल की बात आएगी तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंड प्रोसीजर हम क्या करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन दिस द वॉल्यूम ऑफ EDTA कंज्यूम रेस्पेक्ट ऑफ हार्ड वाटर, एंड थर्ड है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस बाय इन दिस मेथड वॉल्यूम ऑफ EDTA कंज्यूम विथ रेस्पेक्ट ऑफ बॉइल्ड वाटर। सो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, EDTA जो मेथड है उसके अंदर सबसे पहले कितना EDTA कंज्यूम हो रहा है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ वो देखना है, उससे स्टैंडर्डाइजेशन करना है। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमें टोटल हार्डनेस निकालने के लिए हार्ड वाटर को लेना है और उसके अंदर कितना EDTA कंज्यूम हो रहा है ये देखना है। एंड थर्ड स्टेप है हमारा कि बॉइल्ड वाटर के साथ कितना EDTA कंज्यूम हो रहा है वो देखना है, इससे हमको परमानेंट हार्डनेस मिल जाएगा। सो आज हमने ये देखा है कि EDTA मेथड क्या होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं, और कैलकुलेशन का थ्योरेटिकल जो पोस्चर है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे के मतलब न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमारा इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।